आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए जिंग सुपर एफटीए बॉक्स के लिए और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बॉक्स के लिए हम सिग्नल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। जिंग सुपर एफटीए बॉक्स के लिए सिग्नल सेटिंग करना बहुत ही आसान काम है। आपके पास किसी भी कंपनी का डिश एंटीना होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास सिर्फ डिश एंटीना होना चाहिए क्योंकि तभी यह बॉक्स काम करने वाला है। मेरे पास भी डिश टीवी कंपनी का ही डिश एंटीना मौजूद है जिसके ऊपर मैं सिग्नल सेटिंग करके आपको दिखाने वाला हूं और बहुत से लोगों का मैंने एक अंदाजा लगाया है कि डीडी फ्री डिश का ही मोस्टली उपयोग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको यहां पर सिग्नल सेटिंग दिखाने वाला हूं कि डिश एंटीने को अगर हम हल्का सा लेफ्ट की ओर अलाइन करेंगे तो कैसे हमारे बॉक्स में इजीली सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। बाकी अगर आप टाटा स्काई का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर और किसी सैटेलाइट कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपसे यही रेकमेंड करूंगा कि आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है सेटिंग के बारे में तो ही आप इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो आप डिश एंटीने वाले को बुलाकर ही सिग्नल सेटिंग करवाइए। क्योंकि डिश टीवी कंपनी की ओर से जिंक सुपर एफटीए बॉक्स के साथ केवल और केवल आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन ही मिलता है। इसके अलावा ना तो आपको कोई डिश एंटीना मिलता है और ना ही कोई इंस्टॉलेशन सर्विस मिलती है, और अगर आपको खुद आता है तो खुद भी कर सकते हो। बाकी इसमें आपको 2 सैटेलाइट्स मिलते हैं, एक आता है आपके नॉर्थ इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए SCS-8 सैटेलाइट जो कि 95 डिग्री ईस्ट पर है, और एक आता है आपके लिए साउथ इंडिया के लिए ST-2 सैटेलाइट जो कि 88 डिग्री ईस्ट पर है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया के रहने वाले हैं जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और गुजरात है, राजस्थान है, जो भी मैं आपको मेन मेन स्टेट्स बताई हैं मैंने, नॉर्थ ईस्ट एरियाज हो गए, तो वो भी सारा आपका रेस्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के साथ आएगा। और साउथ इंडिया के लिए आएगा आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन स्टेट्स के लिए आपको मैंने अलग अलग सिग्नल्स डिफरेंशिएट कर दिए हैं। अब देरी नहीं करेंगे, सीधा हम चलेंगे अपने सेटअप बॉक्स के पास और उसके बाद हम चलेंगे अपने टेरिस के पास, डिश एंटीने के पास, और सिग्नल सेटिंग करके आपको हम दिखाने वाले हैं। कुछ इसी तरीके को फॉलो करके आप भी अपने सिग्नल सेटिंग को कर सकते हो, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से कहना चाहूंगा लोकल टेक्नीशियन को बुलाइए और सिग्नल सेटिंग करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे बॉक्स में जो है सिग्नल नहीं आ रहे हैं, हमने जिंक सुपर एफटीए बॉक्स को परचेस किया है तो उसमें अगर आपको भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है और सिग्नल नहीं आ रहे हो तो समझ लीजिए कि आपके डिश एंटीने से सिग्नल रिसीव नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें डिश एंटीने के पास जाकर डिश टीवी के सिग्नल्स को सेट करना होगा, जिसके बाद ही जो है हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर का अपग्रेड करने का मौका मिलेगा और हमारे टीवी चैनल्स को देखने का मौका मिलेगा। तो सिंपली कुछ इसी तरह का आपको जो है यूजर इंटरफेस देखने को मिलने वाला है जिंक सुपर एफटीए बॉक्स में, और सिग्नल लेवल और सिग्नल क्वालिटी ये जो है आपके 0-0 ही बताने वाला है। तो अगर इसमें सिग्नल कम आ रहे हैं तो भी आपको सिग्नल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो आपको सिग्नल कैसे लेकर आने हैं, तो चलिए हम सीधा चलते हैं डिश एंटीने के पास और इस बॉक्स में हम सिग्नल लेकर आते हैं। तो सीधा हम आ चुके हैं टेरिस के पास और आज हम सेटिंग करेंगे आपके जिग सुपर एफटीए बॉक्स के लिए। जो भी जिग सुपर एफटीए बॉक्स को लगवाना चाहते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये जो बॉक्स है वो आपके डिश टीवी के सिग्नल पर ही काम करता है। आपके पास कोई भी पुराना डिश एंटीना होगा तो उसी पर ही आपको इसमें सिग्नल लेकर आने होंगे डिश टीवी के। किसी भी कंपनी का एंटीना हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है। हमारे पास डिश टीवी का एंटीना ही मौजूद है तो उसी पर ही हम सेटिंग करके दिखाने वाले हैं आपको। अगर आपके पास पहले से ही डीडी फ्री डिश पर डिश एंटीना सेट है तो डिश को अगर आप हल्का सा लेफ्ट में घुमाएंगे हल्का सा तो सिग्नल इजीली आपके बॉक्स में रिसीव हो जाते हैं, क्योंकि डीडी फ्री डिश के सिग्नल और डिश टीवी के सिग्नल बिल्कुल आसपास है तकरीबन, और डिश टीवी तो वैसे भी डीडी फ्री डिश के सिग्नल का इस्तेमाल करता ही है तो कोई भी इशू नहीं आएगा। यानी कि अगर आप डिश टीवी पे भी सेट कर लेंगे तो उसका मतलब यही है कि आपको डीडी फ्री डिश के सिग्नल तो मिलेंगे ही, साथ ही में डिश टीवी के सिग्नल का भी आपको फायदा मिल जाएगा। अब आपको सेटिंग करनी कैसे है उसके लिए इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पहली बार आए थे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस के आगे भी सबसे पहले जरूर मिलते रहे। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, अब सिंपली जो है यहाँ पर हम डिश को घुमा के देखेंगे और जानेंगे कि आखिर सिग्नल की सेटिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो डिश एंटीना है वो डीडी फ्री डिश पर सेट हो सकता है, तो उसको अगर आप हल्का सा लेफ्ट में घुमाएंगे तो सिग्नल आपके इजीली आ जाएंगे। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं ये जो है हमारा डिश एंटीना इस वक्त डीडी फ्री डिश के सिग्नल रिसीव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। अब उसके ऊपर मुझे डिश टीवी के सिग्नल अगर लेकर आने हैं तो डिश एंटीना जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं इसको मैं हल्का सा ये देखो लेफ्ट में घुमाया, बस हल्का सा घुमाया मैंने इसको लेफ्ट में, और इसको जो LLB का स्क्यू है वो हल्का सा मैंने जो है हल्का सा माइनस की तरफ कर दिया। ये देखिए मैंने हल्का सा जो है इसका LLB स्क्यू माइनस की तरफ किया और डिश एंटीना हल्का सा मैंने लेफ्ट की ओर घुमाया और इसमें जो है सिग्नल्स मुझे इजीली प्राप्त होने लगे हैं। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर ले जाकर दिखा पा रहा हूँ कि सिग्नल जो है वो हमारे बॉक्स में इजीली प्राप्त हो चुके हैं। आपको भी कुछ इसी तरह की सेटिंग करनी होगी जिसके बाद आपके जिंग सुपर एफटीए बॉक्स में सिग्नल इजीली आपको मिल जाएंगे। आप करना कुछ नहीं है, सिग्नल आ जाने के बाद आपको एंटीना वहीं पर ही जो है टाइट कर देना है जो भी इसके नट बोल्ट्स आपने जो है लूज किए थे, और आपके सिग्नल हो गए
बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके सिग्नल सेट नहीं हो पा रहे हैं, फिर आपसे कोई ना कोई ज्यादा डिश एंटीना घूम चुका है, आपको ज्यादा आपने लेफ्ट में कर दिया, तो भाई आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप लोकल डिश एंटीना वाले को बुलाइए, जो डिश एंटीना लगाते होंगे आपके एरिया में, लोकल टेक्नीशियन को बुलाकर आप अपने डिश एंटीना की सेटिंग करवाइए, जिससे आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने डिश एंटीना को जैसे ही सेट किया, हल्का सा लेफ्ट में किया, तो हमारे बॉक्स में हमें सिग्नल मिलना शुरू हो गए। तो दोस्तों जिसी तरह से जो है आपके सिग्नल लेवल और सिग्नल क्वालिटी बॉक्स में आ जाएगी, मैंने जिस तरीके से डिश एंटीना को सेट किया है तो मुझे करीबन 86% सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा आपको इससे कम हो रहे हो या हो सकता है इससे ज्यादा हो रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश ये करनी है कि 70% से ज्यादा लेकर आने, यानी कि 70% से हमें सिग्नल क्वालिटी को ऊपर लेकर आना है, ताकि हमें आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो सिंपल दोस्तों हम करेंगे कुछ नहीं, अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम आपसे पूछेगा कि वाकई में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जी हाँ हम करना चाहते हैं। रिमोट से हम यहाँ पर ओके बटन पर प्रेस कर देंगे और सिग्नल पे जो है रिसीव होने के बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। दूसरे से आप देख पा रहे हैं कि हमारे बॉक्स में सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो चुका है, और कुछ इसी तरह से जो है आपके बॉक्स में भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा।